हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है इस हेयर बैंड के साथ, इस हेयर बैंड के साथ मैं हेयर स्टाइल करके दिखाऊंगी। ये है टिक टैक हेयर बैंड जो कि लेटेस्ट है अभी, एंड इसे कैसे यूज करते हैं मैं इस वीडियो में 6 हेयर स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप किस तरीके से इसे वेयर कर सकते हैं। बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था, मैंने इसे फटाफट से अपलोड कर दिया है। चलिए फर्स्ट हेयर स्टाइल देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से फर्स्ट हेयर स्टाइल आपको काफ़ी यूनिक लगेगा एंड आप सोचेंगे कि ये कैसा हेयर स्टाइल था, बट काफ़ी प्रिटी है। इस तरीके से हेयर बैंड को लगा लेना है एंड पीछे से आपको हेयर लेके आना है और आगे की तरफ इस तरीके से आपको टक करते जाना है। इस तरीके से आप करेंगे तो फ्रंट में क्या है कि आपको एक वाटरफॉल सा लुक आएगा। काफ़ी अच्छा लगता है ये हेयर स्टाइल। इस हेयर बैंड को आप एक ही तरीके से नहीं वेयर कर सकते हैं। चलिए इसमें कुछ नया क्रिएट करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे हेयर स्टाइल शेयर कर देती हूँ, एक ही क्यों। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा गाइज, एंड वीडियो को शेयर करिएगा प्लीज़ अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इस तरीके से देख सकते हैं 3-4 लेयर बन जाएगा। नेक्स्ट साइड भी हम उस तरीके से। कंप्लीट हो गया है हमारा फाइनल लुक और काफ़ी प्रिटी लग रहा है। अगर आप इसमें थोड़ा सा फ्लावर भी लगा लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। बेबीज़ के लिए था वो स्पेशली। एंड नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए चलिए हमने बीच मांग निकाल लिया है। बीच मांग, साइड मांग एंड बैक साइड हेयर सबके साथ मैं इस हेयर बैंड के लिए हेयर स्टाइल शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने बीच मांग निकाला है एंड इस तरीके से आपको फिंगर की हेल्प से जस्ट एक एक इंच हेयर लेना है और पीछे ले जाकर टक करना है। बेसिकली इस हेयर बैंड का यूज आप इसी तरीके के हेयर स्टाइल में कर सकते हैं। इसी तरीके के हेयर स्टाइल करने के लिए हेयर बैंड बनाया गया है ताकि जिनको भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है हेयर स्टाइल करने में वो ईजिली कैरी कर सकते हैं। चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं इस हेयर स्टाइल को। काफ़ी ईजी है, बस सबको हेयर को लेना है, ट्विस्ट करना है, बैक साइड ले जाना है, बैक साइड। गाइज दैट्स इट, कम्प्लीट हो गया ये हमारा लुक, काफ़ी सिंपल था। नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए मैंने इस तरीके से आपको अपने हेयर बैंड को बैक किया है एंड कुछ इस तरीके से पफ सा लुक दिया है लाइक दिस। आप इसे इस तरीके से भी वेयर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड ऐसा लगेगा कि आपके हेयर बैंड पे कोई डिज़ाइन बनाया हुआ है। नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए मैंने इस तरीके से साइड हेयर किया, कोई मैंने मांग नहीं निकाला हुआ है, बस आपको साइड हेयर करना है एंड अगर आपके बैंग्स हैं आगे से तो आप उसे निकाल लीजिए एंड उसके बाद इस तरीके से साइड करके हम बीच में हेयर बैंड को रखेंगे एंड उसके बाद आपको ईयर के पास से हेयर लेके जाना है ट्विस्ट करते हुए एंड टक करते हुए जाना है लाइक दिस, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। हमारा कंप्लीट लुक इस तरीके से आप कर सकते हैं इस हेयर स्टाइल को एंड इसमें आप छोटी ब्रेड भी कर सकते हैं गाइस, मैं एक शेयर कर देती हूँ। इस तरीके से आप छोटी भी कर सकते हैं, ब्रेड भी कर सकते हैं, बन कर सकते हैं। बहुत सारे बन ब्रेड हेयर स्टाइल के वीडियो मेरे चैनल पे हैं, बहुत सारे मैंने शेयर किए हुए हैं और एवरी डे मैं शेयर करती हूँ। इस तरीके से भी आप छोटी बना सकते हैं। नेक्स्ट हेयर स्टाइल को देख लेते हैं। नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए मैंने इस तरीके से बीच मांग निकाला हुआ है एंड फ्रंट के बैंग्स को छोड़ देंगे हम और उसके बाद के हेयर को लेके लास्ट वाले क्लिप में आपको इस तरीके से टक कर लेना है।
गाइज, इस हेयर बैंड के साथ आप बहुत सारे हेयर स्टाइल कर सकते हो। सो अगर आप और भी हेयर स्टाइल देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे गाइज कि प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। आजकल मेरे वीडियो पर बहुत कम व्यूज़ आने लगे हैं, सो प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉच गाइज़।